चुचुवाल फिसल लगा है। सामान वगैरह जितना भी वहाँ पर है सब नीचे गिर गया था अभी तो। फिर ये मेरा कमर में दर्द है रे गुड्डू, तू यहाँ खड़ा रहो। जा रहे हैं दोस्तों, उसको लेते बाहर। यहाँ पे मम्मी भी रोटी बना रही है और प्रकार से बैठेगा तो पहले बैठा लेते उसके बाद। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोस्तों फिलहाल तो मैं भी अपने घर में हूँ और देखिए कभी सुबह सुबह क्या हो रहा है। दोस्तों सुबह सुबह भी मम्मी देखिए यहाँ पे भी ब्रश कर रही है और आज हमारे घर में बनेगा ये मुनगा साग। देखिए ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये भी मुनगा साग बनेगा हमारे घर में। और उधर कुछ सीटी लगा हुआ है तो सीटी तो नहीं बनेगा, ये मुनगा साग ही बनेगा। और जो कि वो बनेगा आज आलू में डाल करके स्वाद मस्ती में खाएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा खाने में दोस्तों। और अगर आप लोग भी नहीं खाए होंगे तो फिर आप लोग भी खाइएगा। और आज बनेगा साग और भात, और जो कि साग बनेगा वो आलू में डाल करके बनेगा। हो सके तो दाल भी डालेंगे, नहीं होगा तो फिर नहीं डालेंगे। आलू और साग डालेंगे और मस्ती में खाएंगे, माड़ भात साग खाएंगे दोस्तों आज, माड़ भात साग। कुछ फल लगा हुआ है ये हमारा, और आप चाहे तो इसको मतलब अपने फोटो के लिए से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस जगह से। मैं इसे स्टेबलाइजेशन कर दे रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट के लेकर के भी रख सकते हैं। सुधु देखिए अभी नीति अभी सो करके उठी है यहाँ पर, और अभी सोते उठ करके भी सीधा आ गई भैया पास कि भैया भी वीडियो बनाते तो भैया पास हम चले जाएंगे। तो देखिए अभी कैसे कैसे ये कर रही है। नीति बोलो गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और देखिए भी कृष्णा स्कूल जाने के लिए तैयार होगी, वो अपना स्कूल की तैयारी कर रही है वहाँ पे। सो दोस्तों देखिए मम्मी यहाँ पर अभी मुनगा साग अभी तोड़ने के लिए जा रही है, मतलब तोड़ रही है अभी। और ये मेरा कमर में दर्द है रे गुड्डू, तू यहाँ खड़ा रहो। देखिए दोस्तों भी मम्मी मुनगा साग अभी तोड़ रही है यहाँ पे किस तरीके से, मतलब हम लोगों के नज़दीक में तो हम लोग नज़दीक से आ जाते हैं। मम्मी देखिए भी कहाँ पे चढ़ी हुई, बाउंड्री पे चढ़ी हुई है और यहीं से भी मम्मी मुनगा साग तोड़ रही। तो मम्मी तोड़ लेती है तब तक न, मम्मी मस्त बनेगा न मुनगा साग। देखिए अभी कृष्णा स्कूल जाने के लिए पूरा तैयार होगी, मतलब नहा धोकर के अभी अपना ये ड्रेस पहन रही है पूरा। देखिए हमारा स्कूल बगल में ही है जो आपको दिख रहा है वहाँ पे, देखिए वो वाला स्कूल, तो वही वाला स्कूल है कृष्णा का। देखिए उस जगह पे जहाँ वो क्रॉस कर रहे हैं, वो सर आ गए हैं अभी स्कूल में। तो यही तो अभी मस्त बनेगा अभी मुनगा साग। और देखिए दोस्तों ये उड़हुल का फूल भी है हमारे पास में, देखिए कितना मस्त लग रहा है, देखिए कितना मस्त खिला हुआ सुबह सुबह सो है ना नितिया, मस्त लग रहा है ना गुड्डू। देखिए दोस्तों अभी मम्मी तोड़ ली इतने सारे मुनगा साग अभी, और अभी मस्त बनेगा अभी मुनगा साग। तो देखिए इसको भी नीति है, नीतिया मस्त लग रही है लेकिन है नीतिया। देखिए अभी इतना सारे मम्मी तोड़ रही है और अभी इधर भी तोड़ रही है, और अच्छा से मम्मी अच्छा से। देखिए दोस्तों अभी मस्त लगेगा अभी खाने में न कृष्णा। अब हो गया है इतना ही तोड़ेंगे अभी, और फिर अब कल तोड़ेंगे। आ जा नीचे आओ, गिर जाएंगे। और देखिए दोस्तों ये मम्मी मुनगा साग को अभी धो दे रही है यहाँ पर पानी में, और ये स्कूल जाने के लिए तैयार होगी पूरा तरह से। देखिए इसका बैग यहीं पे रखा हुआ है, स्कूल चले जाएगा यहीं पे। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है, हम लोग गरीब आदमी है दोस्तों इसलिए इसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, हम लोग अमीर आदमी नहीं है। आप अमीर आदमी होंगे तो फिर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़िएगा, हम लोग देहाती आदमी है। देखिए हम लोग का पूरा देहात जैसा गाँव भी है, देखिए देखिए चारों तरफ पूरा देहाती देहात है। देखिए 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 सब देहात, कृष्णा भी देहात, हम भी देहात, सब को देहात लोग हैं हम लोग। गेट को तो यहाँ पे लॉक कर दिए और अब चलते हैं सीधा अपने। देखिए जो काम कर रहे थे, जो आपको दिखाए थे कि कल अभी काम करेंगे सुबह में, तो वही अभी यहाँ पे पापा तोड़ रहे थे इसको, मतलब आधा तो इतना हो चुका है यहाँ से लेकर के, इतना भी टूट गया और यहाँ से भी बाकी थोड़ा बहुत यहाँ तक, तो ये भी अभी कुछ देर में हो जाएगा। सो मम्मी कुछ बुला रहे थे और सुन लेते पहले, उसके बाद फिर यहाँ पर अपना काम करेंगे। और देखिए मम्मी भी यहाँ पे इसको मतलब सब अलग अलग कर ली, सिरोक ले रही इसको यहाँ से, सब पत्ता पत्ता अलग कर ली, डंटल यहाँ पे रखा हुआ और इसे पत्ता भी। अब इसको भाप देगी ने, रेसिपी सब हमको मम्मी बताएगी, पता भाप नहीं देंगे बेटा, इसको आलू में डाल के बनाएंगे। तो आलू में डाल के इसको बनाएगी, और चावल भात और माड़ रहेगा आज, तो वही सब खाएंगे। चावल भात, चावल भात नहीं, चावल और साग, चावल और साग। तो यही सब हम लोगों का देहाती खाना, और क्या क्या बनेगा आपको दिखाएंगे अभी सब। और पापा भी इधर बैठे वहाँ पे भी काम कर रहे थे, तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, अभी थक गए हैं तो थोड़ा रेस्ट करके फिर उधर भी मैं जो आपको दिखाई दे, जो भी ईटर टोल रहे हैं वहाँ पे, तो वो भी काम कर लेंगे। और फिलहाल मम्मी भी तक यहाँ पे मतलब जो भी खाने बना रहे वो बना लेगी। वहाँ पे तोड़ने के लिए आपको दिखा देंगे कैसे कैसे मतलब तोड़ते। देखिए छेनी हो गया और ये घन, तो यही दोनों औजार से अभी वहाँ पे तोड़ेंगे। पापा तोड़ने जा रहे हैं वहाँ पे, हम तोड़े थे तो थोड़ा वो टेढ़ा कुछ। मम्मी
मम्मी भी यहाँ पे चावल धो रही है, इधर हमारे नल से पानी आता है यहीं से। और दोस्तों वहाँ पर जो भी धास रहे थे, वो जो दीवार में काट रहे थे, वो पूरा भी काटा हुआ हो गया, आपको दिखाते हैं। और जो वहाँ पर टुकड़ा जो कर रहा है, वो मम्मी अभी वहाँ पे साफ कर दे रही है, मतलब अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए दिखाते हैं आपको, देखिए वहाँ वाला जो आपको दिखा रहे थे कि वहाँ पर मतलब थोड़ा सा बचा हुआ, तो अब देखिए पूरा वहाँ तक अभी धास दी। मतलब ये मेरे बित्ता के अनुसार में इस तरह से मैं 6 बित्ता वहाँ पर नाप करके धासा था, कि ताकि जब सीढ़ी बनेगा तो फिर वहाँ पर उसमें छड़ मेरा घुस सकेगा आसानी से। मतलब देखिए अभी चौकी को पूरा खड़ा कर दिए यहाँ पे, और गर्दा देखिए लीजिए एक बार आपको, मतलब कितना सारा गर्दा भी उड़ रहा है यहाँ पर, मतलब काफ़ी गर्दा उड़ रहा है। यहाँ पे ले लिए हैं, अब चलते हैं इसको वहाँ पर फेंक देंगे। नहीं जा रहे हैं दोस्तों, उसको लेते बाहर में फेंक देंगे। देखिए अभी यहीं पर फेंक दिए जो इसमें कचरा लाए थे, वो यहीं पर भी जमा कर दी। जैसे जहाँ पर जो मंडप बन रहा था उसका कचरा यहाँ पर है, हम लोगों का नहीं है। तो दोस्तों देखिए सब काम वहाँ पे हो गया है, सब जितना गर्दा वगैरह था सब कुछ सफा कर लिया। अब इसको धो देते हैं वाले कढ़ाई को। ठीक है दोस्तों, तो आप बाजार चलते हैं, मतलब सब कुछ सब कर लिए। चल खाना नहीं खाएं, खाना वहीं पर खा लेंगे दुकान में, चूँकि काफ़ी लेट हो गया। अभी देख लीजिए कि टाइम कितना हुआ, इसको 10:15 यहीं पर बच गया। और यहाँ पर अगर खाना खाएंगे तो फिर 11:30 बज जाएंगे, तो इसलिए सीधा चलते हैं मार्केट। तो दोस्तों बाइक को निकाल लेते हैं सीधा। चलिए बाइक निकाल लिया, चलते सीधा मार्केट। तो एक थोड़ी दिक्कत हो गया था गाड़ी में, गाड़ी जब चालू करी तो न्यूट्रल वगैरह कुछ बताया नहीं था, हॉर्न वगैरह सेल्फ वगैरह कुछ नहीं काम कर रहा था। तो जब मिस्त्री के पास दिखाने गए तो मिस्त्री बोला कि बैटरी बैठ गया, शुरू में बोला कि बैटरी बैठ गया, फिर वो चेक वो किया, फिर वो बोला कि बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा, यानी कि बैटरी को बदलना पड़ेगा। तो अब चलते हैं सीधा दुकान वगैरह लगा लेते हैं, फिर जाएंगे वहीं पे, मतलब चेंज करवा लेंगे बैटरी, रिप्लेस करवा लेंगे बैटरी के बदले। देखिए दोस्तों कैसे कैसे मुसीबत आता है, पैसा तो है नहीं फिर भी एक मुसीबत आके खड़ा हो गया। अब 1000 रुपया लग रहा है गाड़ी का बैटरी चेंज कराने में, 1000 रुपया भी हम तुरंत कहाँ से लावेंगे। देखते हैं बैटरी का बदला, बैटरी मिल जाएगा तो लगा लेंगे। दुकान में हम लोग आ गए हैं और मम्मी भी खाना खा लिए, मतलब घर में तो खाना नहीं खाए थे, तो मम्मी भी खाना खा लिए। खाना खाते हैं फिर आपको दिखा देंगे। चावल है इस टिफिन में, इसमें आलू और किसका सब्जी, आलू और प्याज का सब्जी इसमें, और इसमें भी चावल है। और इसमें देखिए जो साग है, जो सुबह में जो मम्मी मुनगा साग तोड़ी थी, तो वही इसमें साग है। और तो चलिए फटाफट खाते हैं ना दोस्तों, अभी हम खाना खा ही रहे थे, इतना स्वाद लग रहा है मुनगा साग और आलू और चावल और सब्जी, मतलब इतना मस्त लग रहा है। अभी साग भात सब्जी खाने में एकदम टकाटक लग रहा है दोस्तों खाने में। अभी दोस्तों अभी मम्मी कपड़ा सिलाई कर रही थी, और मतलब कपड़ा सिलाई क्या कर रही थी, एक कस्टमर आई थी तो उसका कपड़ा नहीं बना हुआ था, तो बोली कि अभी हमको बना करके दे दीजिए, तो वही मम्मी अभी यहाँ पे बना रही है। तो देखिए मम्मी अभी कपड़ा सिलाई कर रही है यहाँ पे, ये वाला तो कपड़ा सिलाई मम्मी कर रही, तो उसका जो ये वाला जो है ना, ये तो अभी फिलहाल मम्मी तिलैया के लिए जाने के लिए भी तैयारी कर रही है, मतलब कि सामान वगैरह जो था, अस्तर वगैरह, ब्लाउज का कपड़ा वगैरह, वो सब तो अभी मतलब थोड़ा बहुत मेल अभी घट गया है, तो शादी के लगन में मतलब अभी शुरू हो चुका है, तो उसका मेल चाहिए ना मतलब कुछ बेचने के लिए, तो वही मम्मी भी पैसा वहाँ पे गिन रही है। और देखते हैं अगर पैसा वैसा अगर हो जाता है तो फिर मम्मी सीधा निकल जाएगी तिलैया सामान। ब्लाउज बनाने जा रहे हैं, मतलब ब्लाउज से ही रहे थे तो फिर हमको ध्यान रहता है कि वीडियो भी बनाना है। दोस्तों अभी ब्लाउज बना रहे हैं, और इसमें देखिए ये वाला लेस अभी बैठाना है इसमें, तो दिखाते हैं कि लेस किस तरह से बैठाते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए ये वाला जो लेस है, इस वाले गले वाले पट्टी में अभी मुझे यहाँ पर बैठाना है, तो ये देखिए मतलब इस तरीके से कुछ इस प्रकार से बैठेगा। तो पहले बैठा लेते हैं उसके बाद, मतलब लेस बैठा लिया अभी, तो देखिए अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब अभी केवल एक ही साइड चलाएं, और एक साइड अभी चलाने के लिए यहाँ पे बाकी है, देखिए वाला एक। दोस्तों ब्लाउज को अभी हम कंप्लीट कर दिए, मतलब पूरा तो मेरे पास नहीं, मेरे से नहीं हो पाया, चूंकि हमको उतना समझ में नहीं आ रहा था, तो मम्मी आएगी तो फिर इसको पूरा कर देगी। आपको हम दिखा देते कि हम कितने तक अभी किए इसको। तो देखिए जो था मतलब हम पूरा जोड़ दिए, अभी बाँह वगैरह जो भी था सब कुछ अभी हम जोड़ दिए इसमें, केवल ये थोड़ा बाकी रह गया, मतलब पीछे का पोजीशन जो काख वाला पोजीशन होता है वही थोड़ा बाकी रह गया है, बाकी फिर मम्मी आएगी तिले से तो फिर वो जोड़ देगी। और फिर थोड़ी दिक्कत हो गई थी दुकान में, दिक्कत क्या हुआ क्या आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे अभी हम इस तरह से करके अभी मतलब हम ईटा, ये ईटा जो है यहाँ पे, तो ये वाला जो आप पाव देख रहे हैं, ये वाला पाव को भी हम यहाँ पे चढ़ाते हैं, और वहाँ वाला जो ईटा रखा हुआ वो इस पर चढ़ा करके रखते हैं, यहाँ पे रहता है। तो यही भी हुआ कि ईटा से जो पाव से खसक करके मतलब सीधा आगे चला गया, तो फिर आगे गया तो फिर देखिए सब मतलब गिर गया था, इधर से करके भी सब मतलब गिर गया, और फिर सामान वगैरह जितना भी वहाँ पर है सब नीचे गिर गया था अभी, तो फिर वही सामान को भी हम चढ़ा करके सब यहाँ पे भी रखे हुए हैं, और इसको भी सरिया लेते हैं यहाँ पे, ये सब जो देख रहे हैं ये सब, तो ये सब जग मतलब सब ये सब अभी गिर गया था, मतलब सब अभी जैसे तैसे हो गया था। और एक और कहाँ गया, एक और यहाँ पे तेल टिप्पी भी था,
देखिए वो जग वहीं पे गिरा हुआ, वो जग जो देख रहे हैं आप वो जग वहीं पे गिरा हुआ है। इसको निकालते हैं, ये वाले डंडे से इसको निकालते हैं यहाँ पे। देखिए तो ये वाला जग तो अभी निकाल लिए और ये वाला जग को भी यहीं पे रख देते हैं और इसके ऊपर से ये वाला टिप अभी वहाँ पे रख दिए। और मतलब सब अभी गिर गए थे यार, क्या बताएं। वहाँ पे बगल में कस्टमर था मेरे पास में और मम्मी थी भी नहीं यहाँ पे दुकान में, हमको ये सब अकेला भी करना पड़ रहा है। मम्मी तो तिलैया गई, आपको बताएं भी हैं। तो दोस्तों मम्मी भी तिलैया से आ गई है और अभी 8 बज गया पूरा रात का, और मम्मी का मतलब आते थे थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा सामान भी लाइए ज़्यादा, तो अभी 8 बज गया है। और क्या क्या सामान लिए वो आपको दिखा देते हैं, मतलब पूरा तो अभी नहीं दिखा सकते क्योंकि मतलब अभी टाइम भी हो गया ज़्यादा, दुकान भी बढ़ाना है और घर भी जाना होगा हम लोगों को। तो अभी उसका पैकेजिंग दिखा देते हैं कि मम्मी क्या क्या चीज़ का पैकेजिंग करा के वहाँ से लाए और क्या क्या चीज़ सामान लाइए उसमें। तो देखिए दोस्तों ये सब मतलब एक थैला ये है, पूरा एक थैला मतलब ये सामान लाइए। इसमें कुछ ये आपको दिखा देते हैं, ये आपको आइडिया आ गया होगा कि ये बिंदिया का डब्बा है ये वाला। तो इधर बिंदिया का डब्बा और ये सब कुछ सामान वगैरह लाइए यहाँ पे। और क्या क्या सामान ये तो आपको हम कल की व्लॉग में दिखा देंगे कि अभी तो पूरा खोल करके नहीं दिखा सकते। ये कुछ बाला वगैरह है, कॉस्मेटिक्स का वगैरह वगैरह, मतलब यही सब सामान लाई है। और अच्छा रहेगा दोस्तों कि इसका आपको कल की व्लॉग में ही आपको दिखा देंगे कि क्या क्या चीज़ मम्मी सामान लिए। सो मम्मी देखिए का मतलब काफ़ी ज़्यादा भी थक गई थी, आते आते मम्मी अभी यहाँ पे बैठ गई है, थोड़ा पैर वगैरह भी मम्मी का दर्द देने लगा था, मतलब काफ़ी दूर से जाके लाना पड़ता है। सो दोस्तों अभी भुंजा खाने का मन कर रहा था तो चलते हैं मार्केट से भुंजा जा करके ले आते हैं। मम्मी को भी थोड़ा खाने का मन कर रहा, थोड़ा मुँह मतलब चटपटा हो जाए, तो चलिए चल करके भुंजा लाते हैं। चलते हैं, थोड़ा मतलब खाने का मन कर रहा थोड़ा भुंजा, चलिए आ करके लेके चलते हैं। तो यही है अभी हमारा मार्केट, कोडरमा का मार्केट। तो चलिए दिखाते हैं कि भुंजा हम कहाँ से अभी लाते हैं। सो तो दोस्तों अभी एक तो दिक्कत हो गया, मतलब कि भुंजा लाने गए थे मार्केट में तो वहाँ पर है नहीं भुंजा वाला। तो चलिए फिर से अभी दुकानें चल रहे हैं, मतलब दुकानें जा करके फिर देखते कुछ होता है वहीं पर फिर देखते। तो अभी तो हम दुकान आ गए और वहाँ पर था नहीं भुंजा वाला, मतलब रहता तो था वहीं पर वो, लेकिन वो वहाँ पर था नहीं तो भुंजा ना मिल रहा। तो चलिए फिर अब दुकान को बढ़ा लेते हैं। और मम्मी देखिए यहाँ पर अभी सामान को ही सरिया रही थी, तो अब सीधा दुकान को बढ़ाते हैं दोस्तों। दोस्तों हम लोग तो अभी घर आ गए हैं कि यहाँ पर मम्मी अभी रोटी बना रही है और दूध वगैरह भी गर्म हो रहा है और यहाँ पे भी भुंजिया बन चुका है, आलू का भुंजिया। और आपको एक चीज़ अभी दिखाते हैं, ये देखिए मम्मी अभी कैसे रोटी बनाई, से पूरा दिल वाला रोटी बनाई। देखिए ये देखिए दोस्तों ऐसे नहीं, यहाँ से दिखेगा, देखिए दिल कटिंग रोटी ऐसे करके। अब मेरा खाना यहाँ पर निकल गया, रोटी और भुंजिया। चलिए चल खाते हैं सीधा, भूख भी लग गया। तो दोस्तों अभी खाना वगैरह सब कुछ खा लिए, भुंजिया रोटी अचार चना सब कुछ खा लिए ना पूरा पेट भर के, लेकिन मन नहीं भरा, छुछवाल जैसा लग रहा। किसके जैसा? छुछवाल जैसा। तो यहाँ पर हम वही खोज रहे थे ये वाला कैना में, ये देखिए ये कैना हम लोग मतलब रखते हैं सब कुछ खाने वाला। तो ये देखिए मतलब पहले लाए थे, मतलब एक सप्ताह पहले लाए थे, ये मखाना पैकेट है ये वाला, ये देखिए यहाँ पे मखाना लिखा हुआ, ये मखाना पैकेट लाए थे। तो सोच रहे थे भी इसको कि घी में भूंज करके भी खाने के लिए, लेकिन मम्मी लोग अभी मना कर दी तो इसको अभी नहीं भूंजेंगे, मतलब किसी और दिन इसको फिर भूंज कर खाएंगे। और तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, और आपसे फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में यानी कि कल के व्लॉग में। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, एक थम्सअप दीजिएगा, और अगर उससे भी ज़्यादा पसंद आता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर उससे भी ज़्यादा पसंद आता है आपको मेरा वीडियो देखने में अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देखते हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो अभी के लिए जय हिंद, टाटा, गुड बाय, अलविदा।